इस टॉपिक के अंदर आ, ये हमारा लास्ट टॉपिक है बिफोर फॉर्मली स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट इन ऑटो कैड इससे नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक होगा उसमें हम अपना फॉर्मल स्टार्ट करेंगे हाउस प्लान बनाना इन कैड इन सारी चीज़ों को जो ये तीन चार पाँच टॉपिक्स में हमने कवर किए हैं पर्पज़ ये था कि अब जब हम प्लान बनाएंगे तो ये टर्म वहीं कहीं ना कहीं इस्तेमाल होंगी तो मैं वन बाई वन रेफ़र करता रहूँगा ताकि आप वापस जा के कर रिकैप कर सकें उन चीज़ों को बात आएगी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंडेट्री ओपन स्पेसिस की तो मैं कहूँगा कि आप हमने पहले कवर कर ली हैं आप उसको वहाँ जाकर रेफ़र कर सकते हैं हमने लोड देखा कि डेड व डेड लोड क्या होता है लाइव लोड तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस जो टॉपिक है इसके अंदर हम Uh, वैसे तो अगेन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप वेरी करते हैं कोई चीज़ें फिक्स नहीं है हाउस प्लान के साइज़ तो नॉर्मली हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज ये होने चाहिए बल्कि वो भी वेरी करते रहते हैं लेकिन उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो डिपेंड करता है लेकिन बाज़ जो है वो डिफरेंट एजेंसीज़ जो हैं प्लानिंग एजेंसीज़ हो गई आर्किटेक्चरल फॉर्मज हैं कुछ वो रिकमेंडेड साइजेस नॉर्मली देते हैं कि किचन आप एक्स कंपोनेंट कितना रखें वाई कितना रखें यानी किचन आपका फ़र्ज़ करें आठ बाई दस का होना चाहिए। दस फीट का होना चाहिए आपका बेडरूम कितना होना चाहिए नॉर्मली ये जस्ट अगेन गाइडलाइंस हैं कि ये अगर अगर चाहें तो ज़रूरी नहीं है ये बाजूकात फ़र्ज़ करें मेरा घर है मैंने किसी को भी घर बनाने को दिया और मैं उसे जाके खुद कहता हूँ कि मुझे एक बहुत बड़ा बेडरूम चाहिए मुझे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ मेरा किचन बहुत बड़ा आपने देना है तो वो मेरी रिक्वायरमेंट को जो आपने परफॉर्मा हमने देखा है पहले टॉपिक्स में जो हमने क्लाइंट से फिल भी करवाते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है क्योंकि घर में अल्टीमेटली रहना उस बंदे ने है हमने नहीं रहना तो आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं हाँ आप अपनी सजेशंस ज़रूर कोट कर रहे होते हैं कि मैं ये मेरे ख्याल में मैंने फलां जगह घर बनाया है हमने तो हमने ये रखा फलां जगह बनाया है तो ये रखा तो हो सकता है कोई बाद में पैचअप हो तो हम क्विकली आपको आ, कुछ स्टैंडर्डाइज दिखा देंगे अगर आप इनको इस्तेमाल आगे करना चाहें वो भी कर सकते हैं लेकिन अगेन आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को जहन में रखेंगे फिर इसके साथ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइम है फ्लोर एरिया रेशो कि जब हम एक प्लान बना रहे होते हैं तो हमारे पास टोटल एरिया होता है फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी एक कनाल का जब हम प्लाट बनाते हैं कि फ़िफ्टी बाई नाइन्टी पचास फीट जराब नबे फ़ीट अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पैंतालीस सौ स्क्यर फीट बनता है अब हम मल्टीप्लाई करके आगे प्रेजेंटेशन जो हमने करी उसमें देख भी लेंगे इसके बाद उसमें से कितना एरिया हमने अनकवर्ड छोड़ना है कितना एरिया हमारा कवर्ड होगा और इसके बाद उसकी फ्लोर एरिया रेशो क्या निकलेगी तो अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ ताकि हम क्विकली रिकमेंडेड साइजेस और फिर थोड़ा सा स्ट्रेस देकर एफएआर को हम समझ लें क्योंकि एफएआर एक बुनियादी कंपोनेंट है हाउस प्लान के अंदर जब हम सबमिशन कराते हैं अब हम प्रेजेंटेशन के अंदर जाकर देखते हैं फॉर्मली इन दोनों कॉन्सेप्ट को रिकमेंडेड साइजेस तो ये हमारा टाइटल जो हमने क्लियर किया है तो रिकमेंडेड साइजेस से पहले क्विकली जो एक जो दो चीज़ें हमारी प्रीवियस टॉपिक्स में रह गई हैं एक दो टर्म्स हम उसको क्लियर कर लें एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ कॉन्सेप्ट हम आ, वर्ड यूज़ करते रहेंगे लोड बेरिंग और नॉन लोड बेरिंग वॉल्स तो लोड बेरिंग वॉल्स वो वाल होती हैं जिसके ऊपर हमारा सारा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ होता है अगर आप ये देखें अब ये हमारे पास जो है इस टाइम एक स्ट्रक्चर है तो आप ये देख लें आप ये हमारे पास फ़र्ज़ करें ये बीम है या कुछ भी है तो इसका सारा लोड जो है वो इन दो वॉल्स के ऊपर आ रहा है और इसके नीचे अगर आप देखें तो हमने पाइलिंग वगैरह भी फाउंडेशन भी इसकी बनाई हुई है तो लोड बियरिंग वॉल्स हमारी वो दीवारें होती हैं जिसके ऊपर हमारा स्ट्रक्चर रिलाय कर रहा होता है यानी घर के अंदर एक नॉर्मल कमरे के अंदर अगर हमने इवन गार्डर इस्तेमाल किए हुए हैं या हम बीम्स आजकल लेटेस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिन दो दीवारों के ऊपर जाके वो लोड इकट्ठा हो रहा होता है वो हमारी लोड बियरिंग वॉल्स होती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉल्स होती हैं प्लान के अंदर क्योंकि हमने कहा था कि प्लान क्या होता है कि हमने एक घर को हॉरिजेंटली कट कर दिया है सिल लेवल से तो प्लान के अंदर हम इस तरह की हर वॉल की थिकनेस नाइन इंच रखेंगे यानी नौ इंच की हम दीवार बनाएंगे और वो शो क्या कर रही होगी जब भी आपने वॉल देखी प्लान के अंदर और वो नौ इंच की होगी इसका मतलब ये होगा कि ये लोड बेयरिंग वॉल है यानी ये आपकी वो दीवार है जिसके ऊपर आपका घर खड़ा हुआ है ये उसका सहारा है इसके साथ हमारे पास नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स हैं नॉन लोड बेयरिंग वॉल क्या है आप इस स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखें तो अब क्या है इस टाइम हमारा जो ये अगर आप नोट करें इस टाइम जो लोड आ रहा है एक वो इस दीवार पर आ रहा है एक वो आके आपका इस दीवार पर आ रहा है और अगर दरमियान में देखें तो ये आपकी वॉल है जो इस ये ये इस स्ट्रक्चर को अब ये एक दरमियान में हमने पार्टीशन वॉल दे दी है जो कि लोड बेरिंग वॉल नहीं है पार्टीशन वॉल नॉर्मली हम फंक्शनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए दे रहे होते हैं अक्सर हम देखते हैं बाथरूम बना हुआ होता है और आपको लगता है कि ये बाथरूम इसके अंदर हम इसकी अगर सेग्रीगेशन कर दें इस बाथरूम और एक हम ड्रेस एरिया बना दें जहाँ हम कुछ चेंज कर सकें या इवन कि आप एक तरफ शावर लगाना चाह रहे हैं पहले आपने इकट्ठा बनाया आपने एक बड़ा सा बाथरूम बना दिया और अब आप चाहते हैं नहीं जो है वो आपका कमोड एक साइड पर हो या इंडियन डब्ल्यू सी और आपका एक साइड पे जो है दरमियान में कोई छोटी सी बेशक एक सिंगल ईंटों की दीवार खड़ी कर दी जाए और एक तरफ आपका शावर हो जहां आप नहाएं अब ये आपने सिर्फ फंक्शन पूरा करने के लिए दीवार लगाई है इसका कोई स्ट्रक्चर अगर उस दीवार को आप गिरा दें तब भी वो बिल्डिंग वैसी ही रहेगी आप न गिराएं तब भी वो वैसी तो नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स वो वाल होती हैं जिनको हम सिर्फ अपनी फंक्शनैलिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका लोड से कोई ताल्लुक नहीं होता उनको हटा दिया जाए तब भी वो ऐसा ही बरकरार चीज़ें रहेंगी तो जब भी आपने कोई प्लान देखा और उसमें साढ़े चार इंच फीट नहीं इंच की बात हम कर रहे हैं जब भी साढ़े चार इंच की आपको दीवार नजर आएगी जो कि प्रेजेंटेशन में भी आप लिखा हुआ मेंशन है वो नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स होती हैं तो ये आप अगर देखें तो 4.5 इंच हम इसका जो है वो एरिया रखते हैं अब इसके साथ हमारे पास आगे सीढ़ियाँ हम बनाएंगे बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास स्टेयर्स के जब हम साइज़ बना रहते हैं तो सीढ़ियों में तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आप अगर नोट करें तो ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ से आप आ रहे हैं अब सबसे पहले ये अगर आप देखें यहाँ पर आप पाँव रखते हैं ये आपका ट्रेड होता है दिस इज़ ये हमारा ट्रेड है इसके ऊपर हम पाँव रख रहे होते हैं आगे जाके हम साइज़ भी देखेंगे नॉर्मली हम इसको सात आठ नौ इंच तक भी देते हैं ये भी डिपेंड कर रहा होता है इसके बाद हमारे पास ये राइज़र होता है यानी जब भी आप सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तो आपने पहला पाँव रखा फिर आपने अगला पाँव ऊपर जाकर रखा तो ये राइज़र है इसके भी स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो मुख्तलिफ हैं आठ इंच तक हम इस राइज़र को बाजूक रख लेते हैं और ये हमारी विड्थ है ये ये हमारी बाजू ये विड्थ होती है हम बाज़ू का दो दो तीन तीन लोग इकट्ठे सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं पैरल तो अब ये इसको हम मिनिमम तीन फीट कम अज़ कम रखते हैं तकरीबन ताकि अगर हमने कुछ हावी चीज़ ऊपर लेके जानी हो तो हम लेके जा सकें तो स्टेयर्स में तीन चीज़ें ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंट हैं नंबर वन हमने देखा ट्रेड ये ट्रेड है यहाँ जहाँ पे हम अपना पाँव रखेंगे फिर हमारे पास राइजर है जो हमारा ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे हमने स्टेप है हमारे पास हमने एक स्टेप रखा फिर अब थोड़ा सा ऊपर जाके दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा तो ट्रेड भी हम कोशिश करते हैं क्योंकि नॉर्मली बड़े लोग भी चढ़ रहे होते हैं सीढ़ियाँ तो आठ इंच तक हम बाज़ात इस ट्रेड को रखते हैं और राइज़र भी हम तकरीबन आठ नौ इंच डिपेंड करता है कि वो किस परपज़ के लिए कमर्शल प्लाजो में हम थोड़ा सा कम रख देते हैं क्योंकि वहाँ पर बाजू बच्चे भी सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ज़्यादा स्टेप ऊपर रख सके और फिर हमारे पास उसकी विड़थ है तो विड़थ हमने इतनी रखनी है स्टेयर्स की तो अगर दो तीन लोग भी पैरेलल हमारे उन चीज़ों सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो ताकि वो चढ़ सकें तो ये हमारे पास इसका साथ आप डिटेल में ये देख सकते हैं डिज़ाइन है अब ये हमारे पास रिकमेंडेड साइजेज़ हैं लिविंग रूम का 12 बाय 18 हम ज़्यादातर करते हैं किचन छः बाय दस ये ड्राइंग रूम अगेन ये रिकमेंडेड हैं ज़रूरी नहीं कि इसको आप फॉलो करें आप इनसे डेविएट भी कर सकते हैं इसके साथ कार पोर्च जब हम कार पोर्च की बात करते हैं तो कार का जो रिकमेंडेड साइज़ हम करते हैं वो एट बाई सिक्सटीन फीट होता है और हम बात कर चुके हैं कि आठ हम ये ये बात कर रहे हैं इसका हॉरिजेंटल और ये जब सीधे जाके खड़ी होगी तो वर्टिकल जो है हमारा वो सिक्सटीन फीट वैसे कार का जो साइज़ होता है वो एट बाई सिक्सटीन नहीं होता फिफ्टी बाई फाइव बाई फिफ्टीन बाजू का होता है सिक्स बाई फिफ्टीन लेकिन हम क्योंकि मूवमेंट भी होती है जब हम गाड़ी खड़ी करते हैं आपने निकालनी भी है पोर्च से बाहर तो एट बाई सिक्सटीन फीट मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एक गाड़ी के लिए जब हम अपना कार पोर्च बनाएंगे मिनिमम हम उसको लाजमी इंश्योर करेंगे इसके साथ क्विकली हम एफ पे आ गए हैं फ्लोर एरिया रेशो है हमारा अब सबसे पहले ये रेशो होती क्या है तो ये रेशो क्या है एफ आर इज रेशो ऑफ टोटल बिल्डिंग फ्लोर एरिया टू दी यानी टोटल फिल्डिंग फ्लोर एरिया से मुराद है कि जो हमारा कवर्ड एरिया है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया फर्ज करें हमारा कोई भी प्लॉट है और उसमें हमने आ, से हमारे पास हमने जिस तरह पहले बात की ये प्लॉट है ये हमारे पास क्या है 90 बाय 50 यानी 50 बाय 90 इसको हम कहते हैं 50 इसकी जो है वो हॉरिजेंटल है और 90 वर्टिकल है ये 50 बाय 90 एक कनाल की डायमेंशन है हम पहले भी मेजर कर चुके हैं अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या है हमारा टोटल फ्लोर एरिया जो हमारा बनता है वो है पैंतालीस अब हम बात करेंगे कि इसका कवर्ड एरिया कितना है कवर्ड एरिया हमेशा आपने याद रखना है हर वो एरिया प्लान के अंदर हर वो एरिया जिसकी परमानेंट रूफ हो हर वो जगह जिसकी एक परमानेंट छत मुस्तकिल छत हो मुस्तकिल छत को नॉर्मली हम स्लैब से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि जिसके ऊपर हमारे बीम्स लगे होते हैं मुस्तकिल छत जिस जगह की हो वो हमारा कवर्ड एरिया होता है और इसके अलावा फ़र्ज़ करें हम सीढ़ियाँ अक्सर देते हैं सीढ़ियों के ऊपर शेड होता है शेड हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है जब हम चाहें उस शेड को हटा सकते हैं जब चाहें लगा सकते हैं शेड परमानेंट नहीं है इसी तरह आप घर के अंदर दाखिल होते हैं आप देखते हैं शटर लगा हुआ होता है नॉर्मली उसके नीचे गाड़ी खड़ी होती है तो क्या पता चला शटर जो है वो भी आपका कवर्ड एरिया में नहीं आता इसके अलावा हम अगर डेफिनेशन यहाँ से क्विकली देख लें तो ये आप अगर नोट करें तो फ्लोर एरिया में क्या नजर चीज होती है ये हम क्विकली फ्लोर एरिया में वो सारे एरियाज आते हैं एक्सेप्ट सेहन में देखते हैं सेहन पे कोई छत नहीं होती इस तरह गार्डन है हमारे प्लांट्स नर्सरी वाटर पूल स्विमिंग पूल वगैरह इस तरह इसके बाद हमारी जो सीवरेज लाइन रेन लाइन गुजर रही होती हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई छत नहीं होती तो ये हमारी कवर्ड नहीं ये अनकवर्ड एरियाज हमारे होते हैं तो कवर्ड एरिया कौन से हैं? जिसकी परमानेंट छत है अगर इसको हम यहाँ से क्विकली कवर करना चाहें अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये ये एक प्लान है अब इस प्लान में आप देखें तो ये हमारा जो है ये ये अनकवर्ड एरिया है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है और ये भी अनकवर्ड ये कार कारपोर्च इसको भी बाजूकात अगर हमने शटर वगैरह को प्रोवाइड किया हुआ है अगर हमने छत दी है तो फिर ये हमारा कवर्ड बन जाएगा अदरवाइज अनकवर्ड है और ये हमारा अनकवर्ड एरिया है बैक साइड पर कुछ नहीं है इसके बाद बाथरूम है बेडरूम है किचन लाउंज तो ये हमारे सारे जो हैं ये कवर्ड एरिया के अंदर आते हैं अब हम लास्ट में सिंपल इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं जब हमने कैलकुलेशन करनी होगी तो क्या करेंगे हम ये हमारे पास टोटल जो है इस टाइम हमारा क्या है फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाई लॉट एरिया इसका मतलब है कवर्ड एरिया डिवाइडेड बाई टोटल एरिया अब फर्ज़ करें कि हमारे पास टोटल जो है वो पैंतालीस है और ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर में पैंतालीस में से इकतीस फीट जो है स्क्वेयर फीट कवर्ड एरिया है क्योंकि काफी सारी हमने जगह ये छोड़ी है ये सारी ये अनकवर्ड है ये इकतीस सौ पचास और हम फर्ज करते हैं ये दो स्टोरी है टू फ्लोर हैं इसके तो इकतीस सौ पचास जरा दो तो इसका मतलब है तिरसठ सौ स्क्वेयर फीट मेरा कवर्ड एरिया है और टोटल एरिया मेरा था पैंतालीस सौ इन जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है वन पॉइंट फोर अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एफ ए आर है अगर हम रेशो देखें तो वो होगी वन रेशो वन पॉइंट फोर यानी टोटल अगर हम पैंतालीस को एक लें तो हमारी जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है वो वन टाइम उससे ज़्यादा है तो ये हमारे पास एफ है ये रिकमेंडेड एफ आ रहे हैं लाहौर के केस में कि के आपने पा, पा, पाँच मरला जो है वो वन रेशो वन पॉइंट एट से ज़्यादा अब हमारा आंसर वन पॉइंट फोर आ रहा है इसी तरह वन पॉइंट एट जब आएगा उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते इसके साथ आप देखें तो ये पाँच दस मरला के तो ये सारे एफ मौजूद हैं एफ आई के सिंपल हमने कैलकुलेशन देख ली है कवर्ड एरिया डिवाइडेड बाई टोटल एरिया और ये हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं ये आप अपने मेमोराइज कीजिएगा एकड़ में, 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 एक, में आठ कनाल्स हैं तो एक कनाल में बीस मरले हैं तो एक मरले में कितने स्क्वायर फीट हैं तो ये आपकी कैलकुलेशन इसको भी आपने मेमोराइज कर लेना है तो मेनली uh, जो है ये एफ का कॉन्सेप्ट हमने अभी कवर किया है तो आपने खुद से अब जो आपकी uh, एक असाइनमेंट आपको मैं देने लगा हूँ कि आप खुद से अब कुछ प्लान्स बनाएं और उनका एफ कैलकुलेट करके देखें कि अगर मेरा एक घर है उसका फर्ज करें टोटल एरिया तीन हज़ार स्क्वायर फीट है और उसकी मैंने जो कवरेज की है फर्स्ट फ्लोर पे वो तीन दो हज़ार है सेकेंड पर दो है तो किस तरह मैं उसका टोटल एफ एरिया निकालूंगा जब ये एरिया आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और ये एक सबमिशन रिक्वायरमेंट भी है इस टॉपिक के अंदर हमने क्विकली uh, जो है जो मेन चीज़ एक तो हमने स्टेयर का जो है वो डिज़ाइन देख लिया आपने नोट किया लोड बेयरिंग और नॉन लोड बेरिंग वाल्स भी देखी जब हमने देखा कि लोड बेरिंग वाल्स को हमेशा जहाँ पर वजन आ रहा होता है हमारा हम नौ इंचज़ में करेंगे नॉन लोड बेयरिंग वाल्स को फोर पॉइंट फाइव इंचज़ में हमने काम करेंगे और इसके बाद हमने स्टेयर डिज़ाइन तीन चीज़ें देखी कि थ्रेड क्या होता है राइज़र क्या होता है उसका और मेनली हम उसकी वर्थ कितनी रखनी है फर्दर जब हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे कैड के अंदर ये नेक्स्ट टॉपिक से अनवर तो हम उसका आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन भी दिखाएंगे स्टेयर कभी यू शेप की होती हैं अक्सर आप प्लाजो में जाते हैं घरों में तो मुख्तलिफ़ की स्टेयर्स आपको मिलती हैं हम मुख्तलिफ डिज़ाइन भी देख लेंगे और इसके साथ जो है हमने एफ़ ए आर का कॉन्सेप्ट देखा कि फ़्लोर एरिया रेशो एक्चुअली जो हमारा टोटल कवर्ड एरिया है कवर्ड एरिया के हमने डेफिनेशन भी देख लिया वो और डिटेल के साथ आप तफस के साथ पढ़िएगा और एक इमेज भी मैंने लगाया है वहाँ पर ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि टोटल हमारा जो कवर्ड एरिया है अगर हम उसको तकसीम करें टोटल एरिया से उसके बाद जो हमारी रेशो निकलती है वो उस रेशो को हम एफ कहते हैं वो वन रेशो वन पॉइंट फोर है या कुछ और इसके बाद मैंने आपको रिकमेंडेड वो दिखा भी दिए जो अथॉरिटी ने अप्रूवल आ, मतलब कितना पाँच मरले में एफ हो सकती है और फिर हमने लास्ट में यूनिट्स देके आप इनको मेमोराइज़ कीजिएगा ताकि हमारे प्लान के अंदर ये हमें असिस्ट कर सकें